हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। सभी लोगों का विंटेज कैंपस रुड़की में यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, सभी लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। अब देखो, जैसे मैं आपको पता है कि जैसे मैं यहाँ पर रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और हमारा एक सेक्शन स्टार्ट हुआ है जैसे हर घर अफसर, इसी के अकॉर्डिंग आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश का डे लेक्चर आपको मिलता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैं कैलेंडर का पहला सेक्शन करा चुका हूँ, कैलेंडर में इतिहास बता चुका हूँ, कैलेंडर क्या होता है, ठीक है, और ऑड डे क्या होता है, डे में कितने ऑड डे होते हैं, वीक में कितने ऑड डे होते हैं और मंथ में कितने ऑड डे होते हैं और ईयर में कुल कितने ऑड डे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं बता चुका था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, अब उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि 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 आपको मेरा लेक्चर देखना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। अब देखिए, पिछले क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्या बता दिया था, ऑड डे। ऑड डे मतलब क्या होता है, ठीक है, एक सप्ताह से, देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन से जितना भी ज़्यादा दिन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी नंबर यदि 7 से बड़ा रहेगा उस संख्या को हमेशा 7 से डिवाइड कर देना, उस संख्या को या फिर उस नंबर को 7 से डिवाइड कर देना। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी संख्या को या फिर किसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि 0 दिन बचेगा तो उस दिन कौन से दिन हो जाएगा, संडे। यदि 1 बचेगा तो मंडे, 2 बचेगा तो ट्यूजडे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, कल बता दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया था, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर मैंने डे का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था, वीक का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था और उसके बाद मंथ का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था, अब उसके बाद फिर क्या बोल दिया था, ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था। अब हम आते हैं सेंचुरी के ऊपर, हम लोग आते हैं सेंचुरी का, अब मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको सेंचुरी मतलब क्या होता है, शताब्दी वर्ष। ठीक है, जिस ईयर में लास्ट में 2 जीरो आए उसी को हम क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष हम बोलते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जहां कहीं भी हो, ठीक है, हाँ, यहां पे ऑनलाइन क्लास लेने आ जाओ। ठीक है, आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि जो बताऊंगा अच्छा चीज़ बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने ये बता दिया था ईयर क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में कितना दिन होता है, 365 होता है, किससे बड़ा है, 7 से डिवाइड करना और एक नॉर्मल में एक ऑड डे हो जाएगा और एक लीप ईयर में कितना हो जाएगा, 2 ऑड डे। नॉर्मल मतलब क्या होता है, साधारण वर्ष, लीप ईयर मतलब क्या होता है, आदि वर्ष या फिर अवधि वर्ष। अब आपका लेक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो, अब हमको ये पता है 100 साल में कितना अड्डे होता है, 5 अड्डे होता है, 200 साल में कितना अड्डे होता है, 3 अड्डे होता है, 300 साल में कितना अड्डे होता है, 1 अड्डे होता है, 400 साल में कितना अड्डे होता है, 0 अड्डे होता है। ठीक है, ये बस हमें रटा दिया गया है, हर कोचिंग में, हर यूट्यूब लेक्चर पर हमें ये रटा दिया गया है। ठीक है, देखो 100 साल में 5 अड्डे आते हैं। ठीक है, लेकिन 100 साल में 5 अड्डे कैसे आते हैं, मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्या बोला था, ठीक है, नियर अबाउट मुझे 1 घंटा मुझे लगता है कॉन्सेप्ट देने में। ठीक है, पिछले लेक्चर दिए देखोगे आधी घंटा का लेक्चर होगा शायद। ठीक है, और आज मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बस 100 साल वाला बता दूँगा ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ 200, 300, 400 वाला आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस देखना 100 साल में कुल कितना अड्डे होते हैं, 5, लेकिन कैसे होते हैं, अब ध्यान सुनना। ठीक है, अब देखो 100 साल मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, 100 साल मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितना अड्डे होते हैं, 5 अड्डे होता है। ठीक है, 1 से लेकर 200 कितना अड्डे होता है, 3 अड्डे होता है। 100 साल कुल 5 अड्डे क्या होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अब ध्यान सुनना। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, 1 से लेकर 100 साल में कुछ हमारे कितना हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर। लीप ईयर क्या होता है,
अवधि वर्ष होता है या फिर आदि वर्ष होता है, नॉर्मल मतलब क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। ठीक है, अब देखो 100 साल में कुल कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है, ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन मुझे आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान सुनना, अब सब लोग ध्यान सुनना। ठीक है, अब देखो 100 साल में कितने अड्डे होते हैं, देखो 100 साल में कुल कितना लीप ईयर होते हैं। अब मैं किसी नॉर्मल से पूछूंगा ना, जिस चर्च पे तो पूछूंगा ना, तो मैं इसको बोल देता हूँ लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिवाइड होगा वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो बताओ 100 साल में कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो तड़ाक से बोलेगा आंसर कितना बोलेगा, 25 लीप ईयर होते हैं। लेकिन 25 शिप नहीं होते। अब देखो ध्यान दो, मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, ध्यान सुना। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक कितने हो जाएंगे, 10, अरे 4, 8, 12, 16 लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिवाइड होता है, होता ही नहीं होता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, 41 लेके 80 तक कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब देखो 10, 10, 20 उसके बाद क्या होगा, 84, 88, 92, 96 और 100। देखो 10, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब मैं किसी भी नॉर्मल से पूछूंगा तो 100 साल में बोलेगा 25 लीप ईयर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 100वां साल लीप ईयर होते हुए भी लीप ईयर नहीं होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, ध्यान सुनना। देखो 100वां वर्ष क्या होता है, हमारा शताब्दी वर्ष होता है, सेंचुरी ईयर होता है। ठीक है, किसी भी सेंचुरी ईयर को, ध्यान सुनना सब लोग, कान खोल के सुन लो। ठीक है, किसी भी सेंचुरी ईयर को ये लीप ईयर होता है कि नहीं होता है, उसको हम 4 से डिवाइड न करके उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। ये बस सेंचुरी ईयर में ये रूल लागू होता है, ये मैंने बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रिगोरियन साहब ने बोला था, ध्यान सुना। ठीक है, किसी भी साल लीप ईयर होता कि नहीं होता, हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से। ठीक है, लेकिन सेंचुरी ईयर विल बी लीप ईयर ओनली व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 400। ठीक है, अब देखो यहाँ जिससे ध्यान सुन, जिसमें बोल दिया 100वां साल, ठीक, जिसमें बोल दिया 300वां साल, फिर बोल दिया 700वां साल, फिर मैंने बोल दिया 800वां साल, फिर मैंने बोल दिया 900वां साल, फिर मैंने बोल दिया 1100 साल, उसके बाद मैंने बोल दिया 1200 साल, उसके बाद क्या हो जाएगा 1600 साल, उसके बाद मैंने फिर बोल दिया 1800 साल। ठीक है, यहाँ पर लीप ईयर क्या हो, यहाँ पर इसमें कौन सा ये लीप ईयर होगा। ठीक है, 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि देखो ये सारे ईयर क्या है, सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर तभी आदि वर्ष होता है जब वो 400 से डिवाइड होता है, इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। ध्यान सुनना, सेंचुरी ईयर विल बी लीप ईयर ओनली व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 400। ठीक है, मतलब होगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, और ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, सुना ना। ठीक है, कुल मिला जुला के बस यही कहना चाहता हूँ, शताब्दी वर्ष तभी आदि वर्ष होता है जब वो 4 से न डिवाइड होके 400 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट घिंच लो, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, आपका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, समझ ना, मतलब होगा 10, 10, 20, 21, 22, 23, 24। आज के बाद कभी मत बोलना 100 साल में कुल 25 लीप ईयर होते हैं, आज बोलना 100 साल में कुल हमारे कितने लीप ईयर होते हैं, 24 ईयर हमारे लीप ईयर होते हैं। अब इसको मैं बिठा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लो, आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बस ये देखना, 100 साल में समझ आ गया ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ 200, 300, 400 आपको आठ में समझ आएगा। ठीक है, इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, समझ ना, आगे आने वाले लेक्चर में इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर को ढंग से देखो और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 100 साल में कुल कितना हो जाएगा, 24 ईयर लीप हो जाएगा, और नंबर कितना हो जाएगा, 100 में से 24 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो कल मैंने क्या बता दिया था, लास्ट टाइम क्या बताया था, एक नॉर्मल ईयर में कुल एक अड्डे, देखो एक लीप ईयर में कुल 2 अड्डे होता है, यहाँ पर कितने साल हैं, 24 साल हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48। होगा कि नहीं होगा, कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। देखो अब हमको ये भी पता है एक नॉर्मल ईयर में कुल एक अड्डे होता है, यदि कैसे होता है, लेक्चर देखना चाहते हो तो पिछला लेक्चर देख लेना। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 76 × 1 कितना हो जाएगा, 76। होगा नहीं होगा, अब देखो यहाँ पे 48 और यहाँ पे 76। ठीक है, या फिर इनको जोड़ दो या फिर ऐसे करना, देखो 48 किससे बड़ा है,
किससे बड़ा है? सात से। सात छंग 42 कितना हो जाएगा छिड़मिंडर का होगा? रिमिंडर। हमेशा शेष देखते हैं। क्षेत्र किससे बड़ा है? सात दहा में 70 कितना हो जाएगा? छः। अरे छः और प्लस छः कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। किससे बड़ा है? किससे बड़ा है? सात से। कितना हो जाएगा? सात एकम सात कितना हो जाएगा? 5। ऑड हमारा हो जाएगा। ये ऐसे निकला, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मुझे आता है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भविष्य में जाके, ठीक है, रीजनिंग फैकल्टी बनेंगे, ठीक है। कोई पूछेगा 100 साल में 5 ऑड होगा, ठीक है। कोई पूछ दिया सर ये कैसे होगा, तो गोल हो जाओगे ना, इसी वजह से यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। कोई मिला जुला 100 साल में 5 ऑड होते, मैं प्रॉमिस करता हूँ 200, 300, 400 वाला आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इतना कुछ हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीन शॉट खींच लो, आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहा करो, ठीक है। हो गया सभी का नाम, इसको रब कर दूँ, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है, जल्दी जल्दी से करवा देंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है, पूरा रीजनिंग आपका यहाँ पर होल कवर हो जाएगा, ठीक है। मेरा मेन मकसद है आपको बैठक व्यवस्था, कोडिंग डिकोडिंग, वो पजल, मशीन इनपुट आउटपुट और सिलेक्ट कराना, ठीक है। हो गया ना सभी का। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 साल में कुल 5 ऑड्डे हमारे हो गए, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ठीक है, तो 200 में कितनी हो जाएंगे? अरे सुनो, ठीक है, 100 साल में 5, 200 साल में 5, यही होगा ना। तो 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है। किससे बड़ा है? 7 से। 7 एकम 7 कितना होता है? 3। पता है पूरा का पूरा कैलेंडर बस ऑड डे के ऊपर डिपेंड करता है, और पूरा का पूरा कैलेंडर बस ये 7 के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तीसा, ठीक है। 300 में, अरे कितना होता है? 100 साल में 5, 200 साल में 5, 300 साल में 5, 5 5 5 कितना होता है? 15। किससे बड़ा है? 7 से। 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। लेकिन 400 वाला में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अब ध्यान सुनो, ठीक है। 400 वाले में इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। देखो 100 साल में 5, 200 साल में 5, 300 साल में 5, 400 साल में 5, 5 5 5 5 कितना होता है? 20। लेकिन 400वां साल खुद ली पर है, इसी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 21। अब ये मत बोलना, अब सुनो यहाँ आपको डाउट होगा, अब ध्यान सुनो। देखो अब बोलोगे सर एक लीपियर में 2 अड्डे होता है, तो यहाँ पर 400 साल लीपियर होता है, यहाँ पर क्यों 1 अड्डो होता है? पूछना चाहिए था। देखो कुल मिला जुला के 1 से लेके 399 साल तक हमारे कितना होता है? 19 अड्डे होता है हमारा, ठीक है। लेकिन 400वां साल खुद लीपियर है, तो 400 में कितना लीपियर है, और एक लीपियर में कितना अड्डो होता है? 2। मतलब होगा 19 2 21 7 तरीका ये, ठीक है, समझ गए ना। मतलब होगा 400 में कितना ऑड डे होता है? ऑब्वियस सी बात है 0 हमारा ऑड डे होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है, ठीक है, पूरा का पूरा कैलेंडर खत्म, जो चीज़ देना था यही चीज़ दे चुका हूँ, ठीक है। मुझे नियर अबाउट 45 लेके 1 घंटा लगते हैं मुझे कॉन्सेप्ट देने में, ठीक है। अब बताऊँगा क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। 1 से लेके 399 साल तक कितना अड्डो होता है? 19 अड्डो होता है, ठीक है। लेकिन 400वां साल खुद लीप ईयर होता है, और एक लीप ईयर में 2 अड्डे होता है, 19 प्लस 2 कितना होता है? 21, और 7 का 21 कितना हो जाएगा? 0 अड्डे हमारा हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका यूज बाद में होगा, जो आज बता रहे हो ना यहां पर यूज नहीं होगा इसका। अब लिखो टाइप 1। देखो कैलेंडर में टोटल में नियर अबाउट 5 या फिर 6 प्रकार के क्वेश्चन बताता हूं, अब लिख लो टाइप 1, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, ठीक है, टाइप 1 में लिख लो, हेडिंग डालो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का पुनः आगमन, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का पुनः आगमन, ठीक है। ये हमारे क्या होगा? टाइप 1 होता है, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगा, और यहाँ पे शॉर्टकट भी बताऊंगा, अब ध्यान सुना।
देखो हो गया ना। अब देखो इस देखो आप लोग ऐसे क्वेश्चन से मिल चुके होंगे, यदि पंकज अपना 24 देखो यदि पंकज अपना बर्थडे 24 अक्टूबर 1989 को, ठीक है, यदि पंकज हिंट दे रहा हूँ लिखना मत, ठीक है, जैसे बोलिए कि पंकज यदि पंकज अपना बर्थडे 24 अक्टूबर 1989 को मंगलवार को मनाता है तो वो कौन सा साल है जो उसी दिन मनाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग सुनोगे, ठीक है। यदि यदि पंकज अपना शादी की सालगिरह 24 अक्टूबर 1989 को ट्यूसडे मनाता है वो कौन सा साल है जो उसी दिन मनाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, जिससे सुनोगे, ठीक है, बर्थडे का डेट हो जाएगा या फिर एनिवर्सरी का डेट हो जाएगा या फिर रिपब्लिक डे हो जाएगा या फिर इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा, कुछ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके पीछे रीजन क्या होता है पहले देख लो, अब उसके बाद मैं क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं मैं बताऊंगा, अब ध्यान सुनना, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, ध्यान सुन, जैसे बोल दिया 2017 वाला कैलेंडर दूसरी बार कब हमारा रिपीट होगा, ठीक है, जैसे बोल दिया 2018 वाला कैलेंडर दूसरी बार हमारा कब रिपीट होगा, ठीक है, जैसे बोल दिया 2019 वाला कैलेंडर दूसरी बार कब रिपीट होगा, ठीक है, जैसे बोल दिया 2020 वाला कैलेंडर दूसरी बार हमारा कब रिपीट होगा, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या होता है, अब ध्यान सुना, ठीक है, ध्यान सुनना, जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये हमेशा CGL के पेपर में, MTS के पेपर में, दिल्ली पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में और हमेशा UK पुलिस के पेपर में पूछा जाता है हमेशा, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। अब देखो यहाँ पर देखो जब भी, ठीक है, जब भी कोई सा भी साल पूछा जाएगा वो ये वाला कैलेंडर दूसरी बार कब रिपीट होगा तो उससे पहले लीप ईयर निकालना, और 2017 के पहले लीप ईयर कब आता है, ऑब्वियस सी बात है 2016, लीप ईयर क्या होता है जो 4 से डिवाइड है, ठीक है। अब देखो 2000 हमेशा उससे पहले निकाल लेना, ठीक है, 2017 से पहले लीप ईयर कब आता है 2016, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं बात कराऊंगा, ठीक है, 2016-17, ठीक है, 2016 और 17 के बीच में कुल कितना गैप है, ऑब्वियस सी बात है एक साल का गैप है कि नहीं है, ठीक है, यदि एक साल का गैप रहेगा, यदि एक साल गैप रहेगा तो हमेशा कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, कितना हो जाएगा 2023 वाला कैलेंडर और 2017 कैलेंडर सेम होगा, यकीन नहीं होगा तो मोबाइल निकाल के देख लेना, ठीक है, 23 और 17 कैलेंडर क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है, मतलब हमेशा कोई सा भी कैलेंडर पूछा जाएगा उससे पहले लीप निकाल लेना, यदि एक साल गैप रहेगा तो दो मतलब होगा 6 साल बाद रिपीट होगा। सुनो ये बोले 2005 कब रिपीट होगा, 5 निकल लीप क्या आता है 4 आता है, 4 और 5 कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, एक साल गैप होगा, मतलब 2004 और प्लस 6 कितना होगा 10, 2004 सॉरी 2005 और 2011 कैलेंडर का होगा सेम होगा, ठीक है, सुनोगे ना। अब देखो जैसे बोल दिया 2018 वाला कैलेंडर दूसरी बार कब रिपीट होगा, ठीक है, अब देखो ये पूछा हूं इससे पहले लीप ईयर क्या होगा 2016, ऑब्वियस ही बात है 2016 और 18 के अंतर कितना होता है 2 साल का अंतर होता है, यदि वो अंतर रहेगा, यदि वो डिफरेंस रहेगा 2 साल का तो हमेशा कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, मतलब क्या होगा 18 और 29 वाला कैलेंडर सेम रहेगा, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हाँ इसको देख लेना अच्छे देख लेना, अभी क्वेश्चन पुटअप करूँगा, अभी बताऊँगा क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो अब फिर मैंने बोल दिया 2019 वाला कैलेंडर दूसरी बार कब रिपीट होता है, होता है ऑब्वियस ही बात है 19 से पहले लीप ईयर कब आता है 2016 और 16 और 19 के बीच अंतर होता है 3 साल का अंतर होता है, मतलब यदि 3 साल का अंतर रहेगा तो वो कैलेंडर हमेशा 11 साल बाद रिपीट होगा, मतलब 19 और 30 वाला कैलेंडर क्या हो जाएगा सेम होगा, ठीक है, समझ गए ना। अब सुनो समझ गए ना, अब ध्यान सुनना, अब देखो जैसे मैं बोल दिया कि सर हमेशा उससे पहले लीप ईयर निकालते हैं, ठीक है, यदि वो कैलेंडर खुद लीप ईयर होगा कब रिपीट होगा, ये क्वेश्चन हमेशा
बार बार पूछा गया, यदि वो कैलेंडर खुद लीप ईयर होगा तो वो कौन सा साल है जो कैलेंडर रिपीट होगा। अब सुनो, 16, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, हमेशा लीप ईयर कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में रिपीट होना है, ठीक है, हमेशा लीप ईयर कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में रिपीट होना है। यदि वो खुद लीप ईयर होगा तो हमेशा 28 साल बाद रिपीट होगा। मतलब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44, ठीक है, 16 में 28 जोड़ कितना हो जाएगा, 44, ठीक है, समझ ना, हमेशा हमेशा लीप ईयर कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में रिपीट होता है। ये हमारा इसको स्क्रीनशॉट घींच लो, ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया हूँ, ठीक है, हमेशा मैं फिर बता रहा हूँ, इसका पूरा समय बता रहा हूँ, ठीक है। यदि कोई पूछेगा कैलेंडर कब रिपीट होगा, उससे हमेशा एक साल पहले लीप निकाल, हमेशा उससे पहले लीप निकाल लेना। यदि वो लीप ईयर का होगा, एक साल गैप होगा तो हमेशा 6 साल, यदि 2 साल गैप रहेगा तो हमेशा 11 साल बाद, यदि 3 साल गैप रहेगा तो हमेशा 11 साल बाद, और ये खुद लीप ईयर होगा तो हमेशा लीप ईयर कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में रिपीट होता है। मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, 28 साल बाद, ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है, पता है, ठीक है, हमेशा चाहे कोई सा भी कैलेंडर, ध्यान सुना, ठीक है, हमेशा चाहे कोई सा भी कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, उसके निकटतम होता है, ठीक है। अब देखो, 17 में 28 जोड़ दो तब भी रहेगा, 18 में 28 जोड़ दो तब भी रहेगा, 19 में 28 जोड़ दो तब भी रहेगा, लेकिन इससे पहले क्या होता है, 6, 11 साल बाद रिपीट होता है, ये रूल है, ठीक है। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुना, ठीक है, एक चीज बता दो, इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता था पहली बार, ऑब्वियस ही बात है 1983 में जीता था, ठीक है, दूसरी बार कब जीता था, 2011 में दूसरी बार जीता था, इसके बीच का अंत निकालोगा कितना हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है 28 साल हो जाएगा, ठीक है। जब इंडिया ने दूसरी बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था ना, मीडिया में बहुत भयानक रिपोर्ट आ गया था, गजब का संयोग है, 1983-2011 के अंडर सेम है, चाहे इंडिया वर्ल्ड कप जीतता चाहे ना जीतता, ठीक है, हमेशा कोई सा भी कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन उससे पहले 6 साल 11 साल 11 साल, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो, कोई पूछेगा सर इसके पीछे रीजन क्या है, अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको स्क्रीन ले लो, अब देखो इसके पीछे रीजन क्या होगा, देखो यदि, ठीक है, यदि ध्यान सुना, ठीक है, यदि हमेशा हमेशा 7 दिन के बाद, हमेशा 7 दिन के बाद वीक चेंज हो जाता है। अब देखो जैसे मुझे 2017 वाला कैलेंडर दूसरी बार कब रिपीट होगा, ऑब्वियस ही बात है 17 और कितना हो जाएगा 23 वाला कैलेंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसके पीछे रीजन क्या होता है बता रहा हूँ, अब ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या निकालते हैं, बस ऑड डे निकालते हैं। अब सुनो, 17 कैसे ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, मतलब हो जाएगा एक, हो जाएगा एक, नॉर्मल ईयर में कुल एक ऑड डे होता, अभी बताया था, बता दीने। अब देखो 2018 कैसे ईयर होता है हमारा, नॉर्मल ईयर, एक ऑड डे। 19 कैसे ईयर होता है हमारा, कितना हो जाएगा एक ऑड डे, ठीक है, मतलब क्या होगा पता है, 7 निकालेंगे या फिर 14 निकालेंगे या फिर 21 निकालेंगे या फिर 28 निकालेंगे, 7-7 के मल्टीपल निकालते जाएंगे, ठीक है, 7 नहीं आएगा तो 14 नहीं आएगा तो 28, 21 उसके बाद 28, देखते हैं 20 कैसे ईयर होता है, लीप ईयर होता है, और एक लीप कितना ऑड डे होता है, ऑब्वियस ही बात है 2 ऑड डे हमारा होता है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 आ गया, लेकिन मुझे 7 चाहिए, ठीक है, देखते हैं 2021 कैसे ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, ठीक है, 2022 कैसे ईयर होता है हमारा, कितना होता है नॉर्मल ईयर। अब देखो 1, 2, 3, 5, 6, 7 7 आ गया ना, तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है 2022 से बात क्या आता है 2023, मतलब क्या हो जाएगा 17 और 23 वाला कैलेंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसके पीछे रीजन ये है, ठीक है, समझ नहीं आ गया, ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, यदि पसंद आ रहा होगा
तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और मेरी कमी है बताओ, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फिर बताओ, यदि आपको समझ में आ रहा होगा वो फिर बताओ, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और प्लीज़ ठीक है सभी को शेयर करते रहो, सभी को लाइक करते रहा करो, ठीक है, मेरा मेन मकसद है क्लास, मेरा मेन मकसद है सभी बच्चों को अपना वीडियो पहुंचाना। ऑब्वियसली बात है आज के टाइम में सभी के पास स्मार्टफोन है और ऑब्वियसली बात है उसके बाद क्या होगा, जियो का नेटवर्क यूज करते होगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और अगले टर्म में कराऊंगा टाइप 2 टाइप 3 बताऊंगा, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, थैंक यू क्लास।